दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप का तीन लेटेस्ट अपडेट को लेके। तीन अपडेट में सबसे पहले आएगा ग्रुप के, ग्रुप को कैसे आप लोग इंडिविजुअली कंट्रोल करोगे। दूसरा जो अपडेट है वो है कि आप कैसे 5 से ज़्यादा लोगों को एक ही साथ एक ही मैसेज फॉरवर्ड करोगे व्हाट्सएप पे। और तीसरा जो अपडेट है वो है आपके जो मन के सबसे करीब है उस इंसान को कैसे आप व्हाट्सएप में सबसे ऊपर पिन करके रख सकते हो। तो ये तीनों ट्रिक एंड ट्रिप्स एंड अपडेट जो है मैं इस वीडियो पे पूरा प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी इसको समझ के खुद इम्प्लीमेंट कर सको आपके खुद के व्हाट्सएप अकाउंट पे। तो कोई भी दोस्त अगर मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए डिजिटल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। नो मोर फर्दर डिले, चलिए अभी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको टैप करके आपके जो ऐप से व्हाट्सएप उसके अंदर जाना है। तो जैसे ही अंदर आओगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस खोल के आएगा। तो आपको सबसे ऊपर कॉर्नर पे जो 3 डॉट है उस पर प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे तो ऐसा मेनू खोल के आपके सामने आएगा, वहाँ पे से आपको सिलेक्ट करना है सेटिंग्स। तो जैसे ही सेटिंग्स पे आप लोग टैप कर दोगे तो आपके सामने ऐसे मेनू खोल के सामने आएगा, जिसको इंटरफेस भी बोलते हैं कोई कोई लोग। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो अकाउंट ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे मेनू खोल के आएगा, जो इंटरफेस अभी आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो प्राइवेसी है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही प्राइवेसी पे दोस्तों आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे मेनू खोल के आएगा। तो थोड़ा सा ड्रैग करके आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रुप लिखा हुआ है, तो ग्रुप में मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों ग्रुप में क्लिक करूंगा तो आप लोग अभी मेनू ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है हु कैन ऐड मी टू ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि आप लोग ग्रुप में कौन सा सिक्योरिटी डालना चाहते हो। अगर एवरीवन डाल के रखे तो कोई भी बंदा जिसके पास आपका फ़ोन नंबर है तो वो बंदा आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। अगर माइक कॉन्टैक्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया तो जिनके पास आपका फ़ोन नंबर है और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी उन बंदे का नंबर है वही सिर्फ आपको ग्रुप में ऐड कर पाएगा। नहीं तो जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल पे सेव नहीं है वो बंदा आपका जो ग्रुप है उसके ग्रुप में आपको ऐड नहीं कर पाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है नोबॉडी। अगर ये सिलेक्ट करके रखा आपने और उसके बाद डन कर दिया तो कोई भी बंदा आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। तो ये सेटिंग के वजह से जो रोज़ रोज़ आपके मोबाइल पे ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और मेमोरी पूरा फुल होने जा रहा है, तो उससे आप लोग बच सकते हो। आप लोग सोच समझ के आप जो चाहते हो कि कॉन्टैक्ट चाहते हो सिर्फ ग्रुप में ऐड करें तो कॉन्टैक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, अगर एवरीवन चाहते हो तो एवरीवन, और नोबॉडी चाहते हो कोई भी ग्रुप में आप ऐड नहीं होना चाहते हो तो नोबॉडी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो सेटिंग्स है ये नया नया अपडेट है व्हाट्सएप का। तो दूसरा जो दोस्तों तरीका है और अपडेट है वो भी मैं अभी इस वीडियो पर बताऊँगा, तो आप लोग बने रहो वीडियो पर। तो दूसरा मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, अभी क्या हो गया है कि एक साथ हम लोग 5 से ज़्यादा मैसेज लोगों को सेंड नहीं कर पाते, एक साथ एक ही मैसेज 5 से ज़्यादा लोगों को सेंड नहीं कर पाते। तो वो करने के लिए आपको जो तरीका इम्प्लीमेंट करना है वो है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया तो ये मेनू खोल के आया मेरे सामने। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो न्यू ब्रॉडकास्ट करके एक ऑप्शन है, तो इस पर आपको सिंपली से प्रेस कर लेना है। और उसके बाद आप लोग 5 से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट करना है, जिन लोगों को आप चाहते हो कि एक ही साथ एक ही मैसेज सबको चला जाए। तो इसके लिए आप, मैं ऐसे क्लिक कर लूँगा दोस्तों, रैंडमली मैं अभी क्लिक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे 5 से ज़्यादा लोगों को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर और उसके बाद आप लोगों को दिखाता जाऊँगा। तो ऐसे मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लिया 5 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे, और उसके बाद आपको जो करना है, यहाँ पे जो नीचे ग्रीन कलर का एरो दिख रहे हो, राइट क्लिक दिख रहे हो, इस पर आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 रिसिपिएंट। तो अभी मैं यहाँ पे टाइप करके कुछ भी लिख के भेजूँगा, जैसे हाई भेजूँगा तो ये सारे 9 आदमी को इंडिविजुअली चला जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो 5 से ज़्यादा भी आप लोग व्हाट्सएप पर अभी सेंड कर सकते हो। तो ये मैं अभी फ़िलहाल लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तो सेंड करके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। आप लोग चाहो तो इंडिविजुअली ये जो हाई लिख के भेजूंगा ये इंडिविजुअली जाएगा, ये कोई ग्रुप नहीं है जो मैंने 9 रिसिपिएंट डाला है, 9 रिसिपिएंट को ही इंडिविजुअली जाएगा।
तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि आप लोग 5 से ज़्यादा लोगों को एक साथ सेंड कर सकते हो ये ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो आप ब्रॉडकास्ट को आपको डिलीट करना है तो इस पर सिंपली से ऐसे टैप करना है और उसके बाद डिलीट ऑप्शन को प्रेस करके डिलीट कर देना है। तो दोस्तों आप जो मैं और एक ट्रिक और अपडेट दिखाऊंगा ये भी व्हाट्सअप का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑप्शन है जो आप लोग यूज़ करना चाहोगे। तो मान लो कि आपके प्रोफाइल पे कोई भी बंदा या आपका बॉस या कोई भी आपका गर्लफ्रेंड आपका दोस्त जो आपके जीवन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप चाहते हो उनका मैसेज आपको सबसे ऊपर सबसे पहले मिले तो आपको सिंपली से क्या करना है जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ऐसे टैप कर देना है। तो जैसे ही टैप करके सिलेक्ट करोगे तो ऊपर जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे ऊपर पे आप लोग एक पिन वाला ऑप्शन देख रहे हो तो आपको जाके सिर्फ पिन पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो वही जो प्रोफाइल आपने सिलेक्ट करके रखा है सबसे ऊपर पिन के साथ आ जाएगा। तो वो आदमी जब भी आपको कोई मैसेज सेंड करेगा सबसे ऊपर आपको उसी का मैसेज दिखाई देगा। तो ये भी बहुत ही कूल फीचर है दोस्तों। तो अभी इसको अगर आप लोग अनपिन करना चाहते हो तो फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको और फिर जो पिन्ड में एक देख सकते हो कि अभी एक पिन वाला ऑप्शन के साथ एक क्या बोलो इसको एक क्रॉस वाला सिंबल आ गया है। तो इस पर जब जाके आपको टैप करना है जैसे ही टैप करोगे तो चैट अनपिन्ड हो जाएगा। तो ये तीनों जो फीचर मैंने अभी दिखाया है तीनों ही फीचर बहुत काम का है आप लोगों को भी शायद बहुत काम का होगा अगर आप लोग अप्लाई किए तो। अच्छा कर तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे अभी नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं हमेशा मेरे चैनल पे ऐसे ही नए डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तब तक आप लोग अच्छे अच्छे काम करो मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों बाय।